तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये 8 नंबर का आता है, हर बार पूछा गया है। लेसन कौन है ये भी समझिए, पार्ट 4 कह रहे हैं। तो लेसन 4 का गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन का है मेरे भाई, चौथा लेसन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका भाई। क्वेश्चन पहले आप सुनिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, नियम क्या है पहले ये आपको बताना है अच्छे से। फिर लिखा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके हम एक, ये देखो सबसे बड़ा ये चीज है, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक, अब आपको पहली बात नियम लिखना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो वीडियो को यार पूरा देखना है, लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मेन मुद्दा क्या है, मेन चीज क्या है मेरे भाई, ये एम्पियर के नियम हर बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और सबसे खास बात क्या है कि इसका सूत्र को निगमन करना है। और एक बात और बता दें, ये आसान है यार, लेकिन बहुत बच्चे छोड़ करके चले आते हैं। पहली बात क्या है कि 8 नंबर में पूछा जाता है, आपके साथ आपकी बात हो सकता है 9 नंबर के, मतलब नंबर बढ़ा करके पूछा जाएगा, बदला कुछ नियम। कहने का मतलब ये है कि सूत्र सहित आपको निगमित करना है। 8 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म का है फिजिक्स के अंदर। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, वीडियो आपको पूरा देखना यार। तो चलते हैं, बात करते हैं कि एम्पियर के नियम किसे कहते हैं और सूत्र को निगमित करते हैं। तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखना वीडियो को। बात करते हैं मेरे भाई एम्पियर के नियम की, जो नियम है उसका परिभाषा, तो क्या लिखा है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो पहली बात आपको देखिए, पहली बात आसान है यार, तो क्या है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U नॉट गुना होता है, इसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। सूत्र क्या इसका होता है, फाई इंटू इंटू मतलब वही बिच्चन जो गुणा निशान है बोला जाता है इंटू, ठीक, बी डी एल बराबर यू नॉट आई, बस यही सूत्र है मेरे भाई। चाहो तो आप इसको परिभाषा याद करके आप सूत्र लगा सकते हो, चाहे आप सूत्र को याद करो परिभाषा लिख सकते हो। तो मैं आपको आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सूत्र को याद कीजिए, बाकी आप परिभाषा खुद लिख लोगे। तो चलिए कैसे होगा ऐसा, देखिए तो क्या लिखा हमने भाई, देखिए एक ऐसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ, आप यहाँ क्या लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ, इसको समझो हम जो आपने लिखा है उसको हम मतलब उसको आप ना देखिए, इधर केवल देखिए सूत्र से क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसी बंद पृष्ठ। देखिए बिल्कुल ध्यान से हम समझा रहे हैं, कहना मेरा यह है कि ये तो आपने देखा और समझ गया ना, लेकिन आप लॉन्ग टर्म आपको याद करते रहना, क्या मतलब कि आपको भूलना नहीं, वो चीज आपको बता रहे हैं, ठीक। तो क्या ऐसा पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ, तो क्या लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ, ठीक, पृष्ठ का है ना, अब बंद पृष्ठ का, अब फिर क्या लिखा है, रेखीय समाकलन, ये समाकलन के निशान है। अगर आप कक्षा 12 के अंदर अगर आप मैथ कर ले ना तो आपको समझ में आएगा समाकलन के निशान। तो किसी बंद पृष्ठ का जब समाकलन लगा तो लिख दूंगा किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, ठीक मेरे भाई, ये सूत्र से आप इस इतना बड़ा परिभाषा लिख सकते हो, रेखीय समाकलन है ना, आपको बिल्कुल ऐसे लिख देना है कि रेखीय समाकलन, ठीक। तो हम चाह करके इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक, ये तो रेखीय समाकलन। फिर क्या लिखा है ना, रेखीय समाकलन धारा क्या लिखा है, आई, ये समाकलन धारा आई है ना, यहाँ पर आपको इधर कर लेना है आई, तो यहाँ क्या लिखना है, रेखीय समाकलन धारा आई के आई का है ना, का मतलब वही गुणा, ठीक। तो धारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आई हो ही जाएगा गुणे धारा आई का यू नॉट गुना होता है, यू नॉट इसे बोलते हैं यू नॉट गुना होता है, ठीक। तो किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई है ना, तो यहाँ पर आपने पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई का यू नॉट गुना होता है, इसलिए हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। जो बी डी एल है ना, आपको यहाँ पर अपने मन से दिमाग में रख के चलना है कि फाइव ई इंटू बी डी एल है ना, फाइव ई इंटू बी डी एल, ये होगा, ठीक। अब आप इस सूत्र से सारा कंप्लीट, तो किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई का यू नॉट गुना होता है, इसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ये देखिए, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन है ना धारा आई का यू नॉट गुना होता है, इसे हम परिपथीय नियम कहते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है, आपको इतना नोट कर लेना है, ठीक, बाकी आप इसको एक बार फिर से पिछड़ के आप समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सूत्र आपको जो याद होना चाहिए, सूत्र किसके के साथ करना है, तो फाइव इंटू बी डी एल बराबर यू नॉट इंटू आई। ये तो मैंने आपको अभी परिभाषा बताया, मतलब ये आपको मैंने जो बताया अभी ऊपर जो लिखा है ना, ऊपर वाला ही आपको नोट करना है। ये मैंने आपको नियम बताया कि एम्पियर के परिपथीय के नियम, जैसे गॉस का नियम आप जान जाते हो ना, उसका अभी सूत्र को निगमित करना बाकी रहता है। तो अब हम सूत्र को, ये सूत्र कैसे है, इसको निगमन करते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक चित्र बना लेना है, मतलब गोला के आकार का, ठीक। फिर यहाँ से जो यहाँ की दूरी है आर है, यहाँ पर ओ, यहाँ पर पी, यहाँ फिर आपको ले जाना है इस तीर ऊपर की ओर, यहाँ पर बी, ठीक। फिर एक चित्र यहाँ पर आपको सीधा कर देना, उसके नीचे भी लकीर आपको एकदम, मतलब चित्र आपका एकदम ऐसे होना चाहिए। अब मेन मुद्दा आता है कि सूत्र को निगमन करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा मेरे भाई, करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, ठीक। इतना करने के बाद क्या लिखना है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, किसके नियम से आप लगाने जा रहे हो, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि एम्पियर के परिपथीय के नियम से हम लगाने जा रहे हैं और उसका सूत्र को निगमन करना है ना, तो ये आपको हेडिंग डालना है
एम्पियर के पर्पतीय नियम से। एम्पियर का पर्पतीय नियम का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ठीक, फाई इंटू बी डी एल है ना, बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, यू नॉट इंटू आई। ये इसका सूत्र होता है फाई इंटू बी डी एल बराबर यू नॉट आई, इतना तो आपको पता है, ठीक। ये किसका सूत्र है, एम्पियर का पर्पतीय नियम। अब इसमें से आपको बी को बाहर कर लेना, ठीक, जो लिखा है इस बी को आपको इधर लिखना है, तो अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा फाई है ना इंटू डी एल बराबर क्या बचा यू नॉट इंटू आई। बहुत आसान है यार, है ना, बहुत चुटकियों खेल है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है फाई, ये फाई है, ठीक, फाई इंटू जो डी एल है ये क्या है, ये मेरे भाई इधर आप लिख सकते हो कोने में, ठीक। ये कैसा है, ये बंद है, पृष्ठ है, ठीक, इंटू डी एल, इसे बोलते हैं वक्र का पृष्ठ, वक्र का क्षेत्रफल है ना, वक्र का क्षेत्रफल आप समझ सकते हो, ठीक। इसे हम जो फाई इंटू बी डी एल है, इसे वक्र का क्षेत्रफल, वक्र मतलब वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, टू पाई आर, तो यहाँ आप लिख सकते हो टू पाई आर, ठीक। अब इतने की जगह पर आप इतना भी लिख सकते हो, मतलब कि बी रहेगा ही, अगर इतने की जगह पर अगर बोला जाए कि भैया इतना लिखो तो क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा, सही रहेगा, तो क्या करोगे मेरे भाई, इधर लिख देना है टू पाई आर है ना, बराबर क्या है यू नॉट इंटू आई है ना, ध्यान देखना बाकी सही चल रहा सब है, तो b इंटू टू पाई आर बराबर यू नॉट इंटू आई। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, इस b करना क्या है, इस b को आपको यहाँ पर रोक लेना है। अब जब b को आप रोकते हो तो यू नॉट जो है ना इंटू आई है, इसके नीचे जो है चला आएगा, तो टू पाई आर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से सेट कर देना, तो सेट कैसे किया जाता है देखिए, तो मेरे भाई b तो वैसा ही रहेगा है ना, तो करना क्या है भाई, इधर b आपका वैसा ही रहेगा, यू नॉट जो है ना यू नॉट के नीचे कर देना आपका टू पाई है ना, और ऊपर इंटू लगा दिया आई के बट्टे क्या हो जाएगा आर, तो है ना आई के बटे बटे मतलब नीचे क्या जाएगा आर है ना, क्योंकि टू पाई तो यहाँ हो गया बस। तो ये आपका जो निकला मेरे भाई, ये सूत्र निकला, ठीक है ना, मतलब बी बराबर यू नॉट बटे टू पाई इंटू आई बटे आर, यही आपका सूत्र है। रही बात आर क्या है, त्रिज्या है, आई क्या है, धारा है, दोस्तों आपको करना है बी बराबर यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई बटे आर, बतना ही करना है। जैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कहना क्या था, एम्पियर का पर्पतीय नियम बता दिया, उसका निगमन भी करके दिखा दिया, सूत्र आपका आ गया। फाइनली दोस्तों हुआ क्या कि ये आसान है, पहली बात तो ये है ना, तो ऐसे चित्र बनाना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये फाई इंटू बी डी एल की जगह हमने जो टू पाई आर कर दिया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कर दिया, ठीक, क्योंकि ये वक्र का क्षेत्रफल है फाई फाई इंटू डी एल, तो मैंने कहना समझ गया। अब कोई प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए, समझ गए प्लीज लाइक कर दिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी केमिस्ट्री, तब तक के लिए जय जय भारत।